नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको NIOS डेलाइट ब्रिज कोर्स, जिसे कि PDPET प्रोग्राम भी कहते हैं, इसके लिए महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा PDPET के अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए ये मेरा 86 वीडियो है। इससे पहले 85 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, जिन्हें कि आप मेरी प्लेलिस्ट आरजी स्टूडियो की चैनल आरजी स्टूडियो की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ये कोर्स कोड है 523 और कोर्स टाइटल है पाठ्यचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। मैं आपको बताना चाहूँगा PDPET स्टडी के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो कैंडिडेट्स PDF के द्वारा पढ़ना पसंद करते हैं, मोबाइल लैपटॉप या कंप्यूटर पे, वो PDF मंगाने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं वीडियो क्लास में अपना नंबर बताऊंगा, जहां से आप मुझे PDF मंगाने के लिए व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो वो भी बताइएगा, और किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो बताइएगा। यहाँ देख सकते हैं जो प्रश्न है, ये प्रश्न है कोर्स कोड 523 का, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रश्न है। आप शिक्षार्थी की वास्तविक आवश्यकताओं की पहचान कैसे करेंगे? शिक्षार्थी की जो वास्तविक आवश्यकताएं हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे? जो स्टूडेंट होता है उसकी जो वास्तविक रियल में जो उसकी नीड्स हैं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उनको आप कैसे पहचान करेंगे, उनको कैसे पहचानेंगे? यहाँ उत्तर देख लेते हैं। हम जानते हैं कि सारी पाठ्यचर्या शिक्षार्थी के लिए योजनाबद्ध की जाती है। जो सारी पाठ्यचर्या होती है, जो करिकुलम होता है, वो शिक्षार्थी स्टूडेंट के लिए योजनाबद्ध किया जाता है। स्टूडेंट को ध्यान में रख के जो करिकुलम है, जो पाठ्यचर्या, वो बनाई जाती है। इसलिए पाठ्यचर्या निर्माता को शिक्षार्थी की आवश्यकता समझना आवश्यक है। जो पाठ्यचर्या निर्माता है, जो लोग पाठ्यचर्या को बनाते हैं, पाठ्यचर्या के जो करिकुलम के जो डिजाइनर है, उनको शिक्षार्थी है, जो स्टूडेंट है, उसकी आवश्यकता, उसकी क्या नीड्स हैं, उनको जानना जरूरी है, उनको समझना जरूरी है। प्रत्येक शिक्षार्थी दूसरे से भिन्न है। जो एक स्टूडेंट होता है वो दूसरे स्टूडेंट से भिन्न होता है। इसलिए पाठ्यचर्या निर्माता को विभिन्न शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं का निदान करना बहुत आवश्यक होता है। तो जो पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे हैं, करिकुलम को जो बना रहे हैं, उनको विभिन्न शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं, जो अलग अलग शिक्षार्थी हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के जो शिक्षार्थी आए हैं, और उनकी जो अलग अलग आवश्यकताएं हैं, उनका निदान करना, उनको पूरा करना बहुत आवश्यक होता है। पाठ्यचर्या निर्धारण में आवश्यकताओं का आकलन सबसे जरूरी कदम है। जब करिकुलम को निर्धारित किया जा रहा है, करिकुलम को बनाया जा रहा है, उसके निर्धारण में आवश्यकताएं, जो आवश्यकताएं हैं, जो स्टूडेंट की जो आवश्यकताएं हैं, उनका आकलन, उनको पहचानना, उनके बारे में जानना सबसे जरूरी कदम है। ये बहुत ही जरूरी कदम है। तभी शिक्षार्थियों में सामाजिक रूप से ऐच्छिक व्यवहार विकसित किया जा सकता है। तभी हम जो शिक्षार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनमें सामाजिक रूप से जो ऐच्छिक व्यवहार, जो हम अपनी इच्छा से जो व्यवहार चाहते हैं, वो उनमें विकसित कर सकते हैं। आवश्यकता का आकलन करने के लिए उस जगह जाकर लक्ष्य समूह, जब हमें आवश्यकता का आकलन, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या आवश्यकता है विद्यार्थी की, तो जो आकलन करने के लिए विद्यार्थी की जो आवश्यकता है उनको पहचानने के लिए, उस जगह जाकर लक्ष्य समूह, जहाँ पे बच्चे हैं, जहाँ बच्चों का समूह है जिनके लिए पाठ्यचर्या बनानी है, तो आवश्यकता का आकलन करने के लिए, जो बच्चों की जो आवश्यकता है, जो स्टूडेंट की आवश्यकता है, उनको आकलन करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, उस जगह जाकर लक्ष्य समूह, जहाँ पे लक्ष्य समूह, जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे जाना होता है, जिनके लिए पाठ्यचर्या बनानी है, से मिलना होता है, उनके पास जाकर उन्हें मिलना होता है, ताकि हमें उन क्षेत्रों का पता चले जहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जब हम जो करिकुलम बना रहे हैं, उनको शिक्षार्थियों की जो आवश्यकता है उनका आकलन करने के लिए, उन्हें लक्ष्य समूह, जो बच्चे हैं, जो जो स्टूडेंट हैं, उनसे जाके मिलना होगा, ताकि उन क्षेत्रों का पता चले, ताकि उन क्षेत्रों का पता चल सके जहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। जब शिक्षार्थी से मिलेंगे तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी कि किन क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।
या जो शिक्षा द्वारा सुधारा जा सकता है, या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जिन्हें शिक्षा द्वारा सुधारा जा सकता है। किसी स्थान पर जाकर सर्वेक्षण करके जिन आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है उन्हें अनुभूत आवश्यकताएं कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अनुभूत आवश्यकताएं किसे कहते हैं? किसी स्थान पर जाकर, जबकि हम जब जो पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या निर्माता है वो जब किसी स्थान पर जाकर सर्वेक्षण करके, किसी स्थान पर जाकर सर्वेक्षण करते हैं तो करके जिन आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है शिक्षार्थी की, वो जिन आवश्यकताओं का, शिक्षार्थी की जो नीड्स हैं उनका जो पता लगाते हैं उन्हें अनुभूत आवश्यकताएं कहते हैं। तो ऐसी आवश्यकताओं को अनुभूत आवश्यकताएं कहते हैं। अनुभूत आवश्यकताएं किसे कहते हैं? किसी स्थान पर जाकर सर्वेक्षण करके जिन आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है उन्हें अनुभूत आवश्यकताएं कहते हैं। आवश्यकता के आकलन का एक और तरीका है, आवश्यकता है जो शिक्षार्थी की, उनके आकलन, उनके बारे में जानने के लिए एक और तरीका है। एक तरीका और होता है विभिन्न कमीशनों, शैक्षिक कमेटियों, सरकारी नीतियों आदि की मौजूदा रिपोर्टों का अध्ययन करना। तो एक तरीका तो यह है कि स्वयं शिक्षार्थी के पास चले जाएं, जो लक्ष्य समूह है, जो शिक्षार्थियों का समूह है वहां पर चले जाएं और उनसे जाके मिलें और ये पता लगाएं कि किस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और ऐसे क्षेत्र जो शिक्षा द्वारा सुधारे जा सकते हैं। और जो दूसरा तरीका होता है आकलन का वो यह होता है कि विभिन्न कमीशनों, जो विभिन्न कमीशन होते हैं जिनने की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जो उन विभिन्न कमीशनों, शैक्षिक कमेटियों, जो शैक्षिक कमेटी की जो रिपोर्टें होती हैं, सरकारी नीतियों, सरकार की जो नीतियां होती हैं आदि की मौजूदा रिपोर्टों का अध्ययन करना, इन सब की मौजूदा रिपोर्टों का अध्ययन करना। ये नीतियों के दस्तावेज पाठ्यचर्या के निर्माण या पुनः निर्माण के लिए उपयोगी निर्देश देते हैं। जो ये सब नीतियों के दस्तावेज हैं, जैसे कि विभिन्न कमीशनों की रिपोर्टें, शैक्षिक कमेटियों की रिपोर्टें, सरकारी नीतियों आदि की जो रिपोर्टें हैं, ये नीतियों के दस्तावेज पाठ्यचर्या के निर्माण या पुनः निर्माण के लिए उपयोगी निर्देश देते हैं। तो ये पाठ्यचर्या जो है वो करिकुलम जो है उसके निर्माण या पुनः निर्माण के लिए उपयोगी निर्देश देते हैं। दूसरी विधि है आकलन की गई शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं, जिन्हें प्रेक्षित आवश्यकताएं कहते हैं। जो दूसरी विधि होती है वो होती है आकलन, पहचानी गई शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं जिन्हें प्रेक्षित आवश्यकताएं कहते हैं। प्रेक्षित आवश्यकताएं कैसे, किसे कहते हैं? आकलन की गई शिक्षार्थी की आवश्यकताएं, क्योंकि पाठ्यचर्या शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। जो पाठ्यचर्या है, जो करिकुलम है, वो शैक्षिक उद्देश्य, जो शैक्षिक उद्देश्य है उनको प्राप्त करने का साधन है, इसलिए एक सुनियोजित पाठ्यचर्या की आवश्यकता है। तो एक सुनियोजित पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है जो पहले से जिसके बारे में प्लान किया जा चुका हो, ऐसे करिकुलम की आवश्यकता है जो शैक्षिक व्यवस्था के द्वारा दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की प्राप्ति करा ले, करवा सके। तो ऐसे पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है जो शैक्षिक व्यवस्था, जो शिक्षण की जो व्यवस्था है, दोनों के द्वारा दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की प्राप्ति करवा सके। तो दोनों तरह की जो आवश्यकता है, एक वो आवश्यकता जो उस जब शिक्षार्थी के पास गए और लक्ष्य समूह जो शिक्षार्थियों का समूह है उनसे मिले, और उनसे मिलके पता चला कि कहाँ पे ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। एक तो एक आवश्यकता तो ये पता चली, और दूसरी जो है वो जब विभिन्न प्रकार की जो शैक्षिक कमेटियां, विभिन्न कमीशनों, शैक्षिक कमेटियों, सरकारी निधियों आदि का जब रिपोर्ट का अध्ययन किया तो उससे जो आवश्यकता है पता चली। तो जो पाठ्यचर्या होती है, एक सुनियोजित पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है जो शैक्षिक व्यवस्था के द्वारा दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की प्राप्ति करवा सके। यहाँ देख सकते हैं जो इसमें संबंध होता है, अनुभूत आवश्यकताएं, प्रेक्षित आवश्यकताएं, वास्तविक आवश्यकताएं, आवश्यकताओं का आकलन। अनुभूत आवश्यकताएं, प्रेक्षित आवश्यकताएं, वास्तविक आवश्यकताएं, आवश्यकताओं का आकलन। ये इसमें ये छोटा सा डायग्राम है, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है आप बनाते हैं तो इसमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं, अगर पीडीएफ के द्वारा नोट्स मंगाना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम और पीडीएफ नोट्स लिख के मेरे नंबर 9411513974 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैंने जो पीडीपीटी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं,
जो पीडीपीटी का स्टडी ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें। मैं जल्दी पीडीपीटी के लिए बहुत सारे नए वीडियो लेके आऊँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।